फिर से दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पथरिया में संचालित गुड शेफर्ड स्कूल के प्रबंधन पर लगे हैं धर्मांतरण के आरोप। यहां पर पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने ही प्रबंधन पर यह गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद हड़कंप मच गया। जिला शिक्षा विभाग की टीम ने यहां पर पढ़ाई जाने वाली किताबों को भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हमारे अभिभावक जो इस विद्यालय से जुड़े हैं उनकी एक बैठक हमने आयोजित की है और आप सभी के समक्ष अभिभावकों ने अपने विचार रखे हैं। जो भी यहाँ का मामला है वो आपसी शिक्षकों की विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। यहाँ पर जो शिक्षक पदस्थ हैं उनके बीच में सामंजस्य की कमी दिख रही है और उसका जो है प्रभाव जो है बच्चों पर पड़ रहा है। ये जो माहौल है यहाँ पर सकारात्मक माहौल नहीं है। ये जो संस्था है लगभग 10-12 वर्षों से पथरिया में काम कर रही है और इनका उद्देश्य ये है कि शिक्षा की आड़ में धर्मांतरण का काम करना। क्योंकि शिक्षा का मामला है, कई सारे अभिभावक बच्चों को पढ़ाते हैं विद्यालय में। विषय ऐसा उठ के आया कि यहाँ एक हिंदू टीचर है रविशंकर जी, तो रविशंकर जी यहाँ पढ़ाते हैं। संस्था के कुछ ऐसे काम थे जिनका रविशंकर जी ने विरोध किया, जैसे यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं थी, बच्चों के लिए निकलने के लिए रोड भी ठीक नहीं था और ऐसे कई साहित्य यहाँ विद्यालय में लाए गए जो मतलब उनके धर्म का प्रचार प्रसार था, तो उसके मामले में भी रविशंकर जी ने मना किया। और जब ऐसा सब सारा हुआ तो रविशंकर जी के साथ इन लोगों ने क्या किया कि जून में ट्रांसफ़र कर दिया, लिखित में कोई लेटर भी नहीं दिया और पिछले 6 महीने से उनको टारगेट कर रहे हैं। और कैसे खेला जा रहा धर्मांतरण का खेल, यहाँ आपको हम बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो धर्मोह इससे पहले भी धर्मांतरण को लेकर बदनाम रहा है, एक बार फिर दमोह के स्कूल पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। ये स्कूल है गुड शेफर्ड स्कूल जो कि पथरिया में है, इसके प्रबंधन पर लगे हैं धर्मांतरण के खेल को अंजाम देने के आरोप। और याद कर लीजिए इसी दमोह में पिछले साल भी गंगा जमुना स्कूल का मामला सामने आ चुका है। बहुत किरकिरी हुई थी तब, छात्रों के जबरन धर्मांतरण का आरोप उस वक्त लगा था और स्कूल की मान्यता को भी उस समय रद्द कर दिया गया था। लेकिन सर दमोह ही क्यों, मुरैना में भी इस तरह का मामला सामने आया था और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तब जमकर हंगामा भी किया था। तो लगातार धर्मांतरण के खेल के चलते दमोह में हर साल या कहे कि आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता है और एक बार फिर दमोह का ये स्कूल गलत कारणों के चलते सुर्खियों में। तो क्या ये माना जाए कि कानून का कहीं कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं? मध्य प्रदेश में धर्मांतरण रोकने के लिए बाकायदा कानून बना है। जबरन धर्मांतरण करवाने में अगर आप पाए जाते हैं शामिल तो आपको हो सकती है 10 साल की सजा और साथ ही 1,00,000 रुपए जुर्माने का भी है प्रावधान। शादी के लिए झूठ बोलकर धर्मांतरण भी अपराध है, धर्म परिवर्तन के लिए बाकायदा आपको घोषणा पत्र एफिडेविट देना होगा। तो कानून भी है लेकिन क्या कानून का डर नहीं है जो ये मामले अभी भी रुक नहीं रहे, सामने आ रहे हैं। और अब बात करेंगे शक